करें उसे फिटकरी कहते हैं। ये लाल व सफेद दो प्रकार की होती है। अधिकतर सफेद फिटकरी का प्रयोग ही किया जाता है। ये संकोचक अर्थात सिकुड़ पैदा करने वाली होती है। फिटकरी में और भी बहुत गुण होते हैं। फिटकरी एक प्रकार का खनिज है जो प्राकृतिक रूप में पत्थर की शक्ल में मिलता है। इसके कई तरह के औषधीय उपयोग हैं। आज हम फिटकरी के कुछ गुणों के बारे में आपको बताएंगे जिनके द्वारा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिटकरी को चोट या घाव लगने पर इस्तेमाल करें। फिटकरी का पानी लगाने से घाव से खून बहना बंद हो जाएगा तथा घाव पर फिटकरी का चूर्ण बनाकर डालने से खून बहना बंद हो जाता है। जिन लोगों को शरीर से ज्यादा पसीना आने की समस्या हो तो वो लोग नहाते समय पानी में फिटकरी को घोलकर नहाने से पसीना आना कम हो जाता है। एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रोजन सशक्त होने की वजह से ये दंत रोग को दूर कर सकती है। ये माउथ वॉश की तरह भी प्रयोग की जा सकती है। फिटकरी को नहाने के पानी में घोलकर प्रयोग करने से खुजली और शरीर से बदबू आना बंद होती है। फिटकरी और काली मिर्च पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों के दर्द में लाभ होते हैं। शेविंग करने के बाद चेहरे पर फिटकरी लगाने से चेहरा मुलायम हो जाता है। प्रतिदिन फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करें। इससे दांतों के कीड़े तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती है। कान में चींटी चली जाने पर कान में सुरसरी हो तो फिटकरी को पानी में घोलकर पीने से लाभ मिलता है। फिटकरी और काली मिर्च की बराबर बराबर मात्रा पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों के दर्द में काफी लाभ होता है। फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर प्रतिदिन सुबह शाम कुछ दिनों तक लगातार कुल्ला करने से दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं और मुंह की बदबू दूर हो जाती है। 100 ग्राम फिटकरी के चूर्ण में 50 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर मंजन बना लें। इस मंजन के प्रतिदिन प्रयोग से दांतों के दर्द में आराम मिलता है। भुनी हुई फिटकरी इक्वल 10 ग्राम, भुना हुआ टुकिया इक्वल 5 ग्राम एवं कत्था इक्वल 10 ग्राम। इस अनुपात में कुछ पीस कर मंजन बना लें। इस मंजन के नित्य इस्तेमाल करने से दांतों की पीड़ा दूर होती है और दांत मजबूत तथा सुदृढ़ होते हैं। सर्दियों के समय में पानी में ज्यादा काम करने से हाथों की उंगलियों में सूजन या खुजली हो जाती है। इससे बचने के लिए थोड़े पानी में अंदाजन थोड़ी सी फिटकरी डालकर उबाल लें। इस पानी द्वारा उंगलियां धोने से सूजन और खुजली में काफी आराम मिलता है। यदि चोट या खरोंच लगकर घाव हो गया हो और उससे खून बह रहा हो तो घाव को फिटकरी के पानी से धोने के बाद उस पर फिटकरी का चूर्ण बुरकने से खून बहना बंद हो जाता है। 1.5 ग्राम फिटकरी पाउडर को फाँक कर ऊपर से सादा अथवा हल्दी युक्त दूध पीने से चोट दर्द दूर होता है। तो अंश की समस्या होने पर एक गिलास गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी, चुटकी भर हल्दी चूर्ण और एक चम्मच नमक डालकर गरारे करें। इससे तो अंश की समस्या में जल्दी आराम मिलता है। दस्त और पेचिश की परेशानी से बचने के लिए 1 से 2 चुटकी भुनी हुई फिटकरी को गुलाब जल के साथ मिलाकर पीने से खूनी दस्त आना बंद हो जाते हैं। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी का चूर्ण घोल लें। इस घोल से प्रतिदिन सिर धोने से सिर के जुए मर जाते हैं। शेविंग करने के बाद चेहरे पर फिटकरी लगाने से चेहरा मुलायम हो जाता है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में ब्लेड के घाव से चेहरे की रक्षा भी करती है। 0.5 ग्राम पिसी हुई फिटकरी को शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में बहुत लाभ मिलता है। गर्म तवे पर फुलाई हुई फिटकरी 10 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम इन दोनों को महीन पीस कर रख लें। करीब 1 ग्राम मात्रा नित्य सवेरे खाने से दमा रोग में लाभ होता है। भुनी हुई फिटकरी 1 से 1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से घर की उल्टी बंद हो जाती है। कान में फूसी अथवा मवाद हो तो फिटकरी के पानी की 2 से 4 बूंदे कान में डालें, काफी आराम मिलेगा। शहद में फिटकरी मिलाकर काजल या सुरमा की भांति आँखों में आने से आँखों की लाली समाप्त हो जाती है। त्वचा में खुजली वाली जगह को फिटकरी वाले पानी से धोकर उस जगह पर थोड़े से सरसों के कड़वे तेल का लेप लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर का चूर्ण डाल लें, काफी लाभ मिलता है। जननांगों की खुजली, फिटकरी को गर्म पानी में मिलाकर जननांगों को धोने से जननांगों की खुजली में लाभ होता है। तांत्रिक का बढ़ना, तांत्रिक के बढ़ने पर गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी और इतनी ही मात्रा में नमक डालकर गरारे करें। गर्म पानी में नमक या फिटकरी मिलाकर उस पानी को मुंह के अंदर डालकर और सिर ऊंचा करके गरारे करने से गले की कुटकुटाहट, तांत्रिक गले में गांठ को आ बढ़ना आदि रोगों में लाभ होता है। 5 ग्राम फिटकरी और 5 ग्राम नीले धोती को अच्छी तरह से पकाकर इसके अंदर 25 ग्राम ग्लिसरीन मिलाकर रख लें। फिर साफ रुई और थोहेरी बनाकर इसे गले के अंदर लगाने और लाटपकाने से टॉन्सिलों की सूजन समाप्त हो जाती है। घावों में रक्तस्राव, घाव से खून बनना, घाव ताजा हो,
चोट खरोच लगकर घाव हो गया हो, उससे रक्त स्राव हो, ऐसे घाव को फिटकरी के पानी से धोएं तथा घाव पर फिटकरी को पीसकर इसका पाउडर छिड़कने लगाने व बुरकने से रक्त स्राव खून का बहना बंद हो जाता है। शरीर में कहीं से भी खून बह रहा हो तो 1 ग्राम फिटकरी पीसकर 125 ग्राम दही और 250 मिलीलीटर पानी मिलाकर लस्सी बनाकर सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है।